अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू HD यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ऐसी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि किसी मुल्क पर हमला नहीं किया जा सकता हो। मसलन, किसी भी स्टेट की जियोग्राफी, ताकतवर फौज और इस मुल्क की मजबूत आवाम उस मुल्क को मजबूत बनाती हैं। दुनिया में इस वक्त ऐसे बहुत से ममालिक हैं जो अपनी कमज़ोरियों और अंदरूनी खुलफशार की वजह से दूसरे ममालिक के गैज़ो गज़ब का शिकार होते रहे हैं, मगर दुनिया में ऐसे भी ममालिक हैं जिन पर हमला करना या ऐसे जेर करना अहमकानापन के ज़िम्मे में आता है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही 5 ममालिक की लिस्ट लेकर हाजिर हुए हैं जिन पर कोई भी ताकतवर मुल्क शबे खून मारने से पहले 100 बार ज़रूर सोचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, ईरान। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त इराक और अफगानिस्तान जैसे ममालिक को नेस्तो नाबूद करने के बाद अमेरिका अपनी गंदी नज़र ईरान पर जमाए बैठा है। 9/11 के बाद से ही ईरान को शायद सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाता अगर ईरान को न डर और बेबाक लीडर मुयसर ना होते। ये मुल्क हमेशा से ही अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता चला है। ईरान को जेर ना कर सकने की कई एक वजूहत हैं। सबसे पहली वजह इसकी टोपोग्राफी है। ईरान ज़्यादा पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जिसे समझ पाना और इन इलाकों में पेशकदमी करना किसी के लिए भी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। यही नहीं, ईरान के पास 5 लाख की तरबियत याफ्ता फौज, 1700 जदीद टैंक और लगभग 137 फाइटर जहाज हैं, जो ईरान को दुनिया में ताकतवर तरीन मुल्क बनाते हैं। अलावा जी, ईरान के पास अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस हैं जो हर सूबे और शहर में 500 मीटर्स के फासले पर नसब किए गए हैं। इसीलिए किसी भी हमलावर होने वाले मुल्क को इन ज़ेर-ए-ज़मीन बेसिस तक अप्रोच करना बहुत ही मुश्किल है। यही नहीं, दुनिया ये भी जानती है कि ईरान एटमी पावर भी बन चुका है, मगर अब तक डिक्लेयर नहीं हो सका। शायद यही वजह है कि अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरब जैसे तगड़े मुहालफीन के बावजूद कोई भी ईरान पर हमला करने की जुरात नहीं कर सका। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, ईरान के बाद नॉर्थ कोरिया भी एक ऐसा ही मुल्क है जिसकी अमेरिका के साथ नहीं बनती, मगर चाहने के बावजूद भी अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। नॉर्थ कोरिया का शुमार भी इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में होता है। नॉर्थ कोरिया की ताकत की कई एक वजूहात हैं। सबसे पहली चीज़, इस मुल्क की नडर क़यादत है। किंग जोंग उन दुनिया के उन चंद लीडरान में शुमार किए जाते हैं जो किसी के आगे झुकने को हरगिज़ तैयार नहीं हैं, क्योंकि इनके पास एक ताकतवर फौज है जिसमें 10 लाख से भी ज़ायद एक्टिव सोल्जर्स हैं। यही नहीं, इनके पास 4200 जदीद टैंक्स और 222 हेलीकॉप्टर्स भी हैं। इन सब चीज़ों की वजह से नॉर्थ कोरिया बज़ाहिरन नाकाबिले तस्खीर नज़र आता है। ऐसा भी शुबा जाहिर किया जाता है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट भी कर चुका है और इनके एटमी हथियारों की रेंज साउथ कोरिया, जापान और US तक है। यही वजह है कि साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका हमेशा से ही खदशे में रहते हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि किसी भी बैरूनी हमले की सूरत में नॉर्थ कोरिया किसी भी मुखालिफ को बआसानी नाको चने चबवा सकता है। इसीलिए माहरीन इस मुल्क को नाकाबिले तस्खीर करार देते हैं और अमेरिका को मशवरा देते हैं कि इख्तलाफात बैठकर हल कर ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना नाकाबिले तलाफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नंबर 3, जापान। दोस्तों, जापान के बारे में अक्सर कहा जाता है कि आने वाले वक्तों में दुनिया की नई सुपर पावर जापान होगी। इसकी एक वजह यह भी है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब है और ये एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिस पर आज तक कोई भी मुल्क ज़मीनी हमला करने की जसारत नहीं कर सका। हत्ता कि अपने दौर में मुग़ल भी, जो कि फतुहात के हवाले से शोहरत रखते थे, वो इस जापान को कभी फतह ना कर सके। और ये सिर्फ अमेरिका ही था जिसने जापान पर 2 एटम बम गिराकर इसकी कमर तोड़ी थी, मगर फिर भी इसे मुकम्मल फतह ना कर पाए। 2016 से लेकर अब तक जापान अपनी मिलिट्री पर $60 अरब खर्च कर चुका है। जापानी फ़ौज में 5 लाख से ज़्यादा फौजी हैं। यही नहीं, बल्कि इनके पास 600 जदीद टैंक्स भी हैं। जापान के एयरफोर्स भी दुनिया भर में अपना सानी नहीं रखती। ये दुनिया की 5वीं बड़ी एयरफोर्स है। गोडज़िला के अलावा इस एयरफोर्स के पास 1590 एयरक्राफ्ट्स भी मौजूद हैं। जापान का वाहिद मसला इसकी ज़ईफ़ुल उम्र आबादी है। चूँकि जापानी ज़्यादा उम्र पाते हैं, इसलिए इनकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा
उम्र रसीदा लोगों पर मुश्तमिल है। नहायत हैरानकुन तौर पर जापान का साइबर डिफेंस बहुत कमज़ोर है, मगर इन खामियों के बावजूद भी जापान पर हमला करने के लिए एक ऐसी आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी जो तादाद, हिम्मत और हौसले में जवां हो। नंबर दो, यूएसए। दोस्तों, अमेरिका हर साल अपनी मिलिट्री और दिफा पर लगभग 596 बिलियन डॉलर्स की खतीर रकम खर्च करता है। ये अखराजात 7 तरक्की याफ्ता ममालिक की अफवाज पर आने वाले अखराजात से भी कहीं ज़्यादा हैं। दिफा पर खर्च होने वाले 54 बिलियन डॉलर्स रशिया के कुल बजट के 80% के बराबर हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत इसके जौहरी हथियार हैं, जो किसी भी मुल्क से कहीं ज़्यादा हैं। कहा जाता है कि अमेरिका इतने एटमी हथियार रखता है जो दुनिया में रहने वाले हर इंसान को कई दफ़ा मार सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका पर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई मुल्क या मिलिट्री अमेरिका पर कभी हमला करना भी चाहेगी तो इसके अंदर कम से कम इतनी अहलियत का होना बहुत ज़रूरी है कि वो यूटा के सहराओं, हवाई के साहिलों और अलास्का के हिलस्केप पर लड़ने का हौसला रखती हो। यही नहीं, बल्कि एक बड़ी मुसल्ला पॉपुलेशन भी इस इंतज़ार में है कि कब इन्हें अपनी ताकत के मुजाहरे का मौका मिलेगा। चुनाचे इन सब के बावजूद जो अब भी अमेरिका पर हमला करने का इरादा रखता है, इसे सिर्फ गुड लक ही कहा जा सकता है। नंबर एक, पाकिस्तान। नाजरीन, दिफा, मिलिट्री और अजम की बात हो तो पाकिस्तान को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। वतन अजीज का दिफा और नडर फौज बिलाशुबा पूरी दुनिया में अपना कोई सानी नहीं रखती। आप पाकिस्तान की बड़ी फौज देख लें, या बहरी या फिजाई, आपको हर जगह जज्बा ईमानी और पेशा वराना महारत नज़र आएगी। यही वजह है कि वतन अजीज बरी, बहरी और फिजाई हर लिहाज से एक मजबूत रियासत है और दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिस पर हमला करने का ख्वाब अमेरिका और चंद और ममालिक सालों से देख रहे हैं, मगर जुरात करने की हिम्मत कोई नहीं कर सका। ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जौहरी सिस्टम दुनिया के चंद बेहतरीन जौहरी सिस्टम्स में से एक है। यही नहीं, पाकिस्तान के पास आला किस्म के मिज़ाइल्स हैं जो हर किस्म का वारहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ चाहे गुरबत के डेरे हैं, मगर किसी की मजाल नहीं कि वो इसकी जानब मैली आँख से भी देख पाए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद नई दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल उर्दू HD को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिए। हमारी नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।